Assalamu alaikum, new syllabus mathematics book 1 7th edition. So today we are going to start part 2 of exercise 10b from chapter number 10 basic geometry. So in this part I will give you a review about vertical opposite angles, corresponding angles, alternate angles and interior angles. Although ये मेरी पार्ट वन वाली वीडियो में बिल्कुल डीपली कवर्ड है, बट मैं एक दफ़ा रिव्यू दे दूंगी इन सब एंगल्स का. देन वी विल इंशाल्लाह कवर क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 10b. सो नाउ वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स. वट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल? वेन एवर टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर. सो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसके अपोजिट जो भी एंगल्स बन रहे होते हैं वो बेसिकली वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक ओवर हियर, दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट दिस पॉइंट. इसको नाम आप दे सकते हैं ओ, और इस ओ के आमने सामने अपोजिट जो है दे आर टू एंगल्स, दैट इज एंगल ए एंड एंगल बी. सो इट मीन्स दैट दीज टू एंगल्स आर नोन एज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स एंड बोथ आर इन इक्वल एंगुलेशन. इफ ए डिग्री इज 33 degree, so B degree should also be 33 degree. Okay, so next is corresponding angles. Corresponding angles are equal. What is corresponding angles? Corresponding angles वो angles होते हैं जो कि transversal line के same side पे lie कर रहे होते हैं, और इसके अलावा एक angle इनमें से parallel lines के in between होता है, means के interior angle होता है, और एक parallel lines के outside, means के exterior angle होता है. और इफ़ यू सी ओवर हेयर केयरफुली तो ये एक एफ की शेप क्रिएट हो रही होती है. एंड अगेन बोथ एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. इफ ए इज ऑफ 32 degree, सो बी इज ऑल्सो 32 degree. नेक्स्ट अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल जो है इंटीरियर एंगल की ही तरह होते हैं, बट अपोजिट साइड पर होते हैं, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पर होते हैं. इफ यू लुक ओवर हेयर, बोथ आर इंटीरियर एंगल्स बट लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन. So if you see over here, Z shape is forming and both angles are equal in measure. Again, if A is of 37 degree, then B is also of 37 degree. Next, interior angle. Interior angle basically both lie in between parallel lines, but on the same side of transversal line. Here, these two angles are not equal in measure, but their sum is equal to 180 degree. One more thing, that is, if sum of two angles is equal to 180 degree, then it is known as supplementary angles. And if you see over here, U shape jo basically U ya phir C shape create ho rahi. Okay, now next, exercise 10B, and question number one is that in the figure AB parallel to CD, this line AB parallel to CD, लिस्ट डाउन टू पेयर्स ऑफ इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. हमने बताने हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स, अल्टरनेट एंगल्स के पेयर एंड इंटीरियर एंगल्स के पेयर पार्ट ए में. देन पार्ट बी में हमने टू एंगल्स गिवन है, ये बताना है कि वो इक्वल हैं और नॉट. एंड नेक्स्ट इन पार्ट सी में हमने ये बताने के दो एंगल्स इक्वल हैं, उनका सम मतलब कि 180 के इक्वल है और नॉट. इज द सम ऑफ एंगल डी वाई पी एंड सी जेड आर इक्वल टू 180 डिग्री और नॉट. एक्सप्लेन योर आंसर. ओके फाइन. And if you look over here that there are two transversal line. अभी तक हमने ये देखा था कि two parallel lines हैं और एक transversal line जो है कट करती हुई पास हो रही है, और उसके रिजल्ट में हमें 8 different angles मिल रहे हैं. ठीक, और फिर हमने different angles को study किया, कौन कौन से वो angles थे. Now if you see over here there are how many transversal line? Two transversal line passing through two parallel lines. So अब जो है 8 angles नहीं बल्कि 8 + 8 16 एंगल्स हो गए. ओके, सो इन पार्ट ए पार्ट वन इज दैट टू पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. टू पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते कैसे हैं मैं एक दफ़ा और एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस इज पैरेलल लाइंस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन. तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे एंगल्स होते हैं जो कि एक तो एफ की शेप क्रिएट कर रहे हों, ठीक है, और दोनों एंगल्स जो हैं सेम साइड पे हों ट्रांसवर्सल के, बट वन इज इंटीरियर एंड अनदर वन इज एक्सटीरियर. लाइक दिस एंगल एंड दिस एंगल यू सी ओवर हियर, ये एफ की शेप क्रिएट हो रही है और दोनों सेम साइड पे. ओके, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है. सो नाउ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, टू पेयर्स ऑफ इक्वल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स
सो पार्ट ए, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ये रिकॉल करवाने की कोशिश करूं, जब हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है पास हो रही थी, तो फोर डिफरेंट कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें मिले थे. अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखने से पहले पार्ट वन की वीडियो देखी हो, तो फोर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स थे हमारे पास. बट अब हियर टू डिफरेंट ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं, तो फोर के बजाय हमारे पास एट डिफरेंट एंगल्स होंगे. सो नाउ फर्स्ट पार्ट वन में फर्स्ट कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल बी एक्स आर एंड डी जेड आर. नाउ इफ यू सी ओवर हेयर, बी एक्स आर एक एंगल ये रहा, ठीक है, एंगल बी एक्स आर एंड डी जेड आर. ओके, नाउ इफ यू लुक ओवर हेयर केयरफुली, ये एक एफ की शेप बन रही है. एक एंगल एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है, तो इट मीन्स दैट कोरिस्पॉन्डिंग एंगल. नेक्स्ट इज एंगल बी डब्ल्यू पी एंड डी वाई पी. बी डब्ल्यू पी एंड डी वाई पी, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसके लिए अपना, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए. बी डब्ल्यू पी एंड डी वाई पी. इफ यू लुक ओवर हेयर अगेन, अगेन एफ की शेप आप लोगों को बनती हुई दिख रही होगी. एंड वन एंगल इज एक्सटीरियर एंड अनदर वन इज इंटीरियर. नाउ नेक्स्ट, मैं इरेज कर देती हूँ इन सबको पहले. नाउ नेक्स्ट इज ए एक्स आर एंड सी जेड आर. हाउ, नाउ लेट्स सी ओवर हेयर. ए एक्स आर एंड सी जेड आर, कि सी जेड आर अगर है या बी एक्स आर एंगल, ये बेसिकली ओवरऑल लोकेशन है. जो हम एंगल बता रहे हैं वो मिड वन वाला जो है वो एंगल होता है. एंगल ए एक्स आर एंड एंगल सी जेड आर. नाउ इफ यू सी ओवर हेयर, एफ की शेप आप लोगों को बनती हुई दिख रही होगी. ओके, इट मीन दैट कोरिस्पॉन्डिंग एंगल करेक्ट. नाउ ए वाई पी एंड सी वाई पी, सॉरी ए डब्ल्यू पी एंड सी वाई पी. ए डब्ल्यू पी दिस एंगल एंड सी वाई पी दिस एंगल, एफ की शेप बन रही है, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, करेक्ट, डन. नाउ नेक्स्ट, ए एक्स एस एंड सी जेड एस. ए एक्स एस एक एंगल ये रहा, ओके, एंड सी जेड एस एक एंगल ये रहा, सी जेड एस, अगेन एफ की शेप बन रही है. इससे हमारा कंसर्न नहीं कि एफ जो है रिवर्ट है या टिल्ट है, जो भी है, बट एफ की शेप एक बन रही है, तो इट मीन्स दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो हमारा, ठीक है. और मेक श्योर कि एक एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए और एक इंटीरियर होना चाहिए. सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप सो. नाउ नेक्स्ट इज ए डब्ल्यू क्यू. ए डब्ल्यू क्यू, ए डब्ल्यू क्यू ये रहा एंगल, एंड सी वाई क्यू, सी वाई क्यू एक ये रहा एंगल. यू सी ओवर हेयर, दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज एक्सटीरियर एंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट बी एक्स एस. बी एक्स एस, बी एक्स एस, डी जेड एस, अगेन एफ की शेप, एक एंगल इंटीरियर और एक एक्सटीरियर. नेक्स्ट इज बी डब्ल्यू क्यू एंड डी वाई क्यू. बी डब्ल्यू क्यू, बी डब्ल्यू क्यू, ओके, एंड डी वाई क्यू, एफ की शेप बन रही है, अगेन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल. आई होप सो पार्ट वन आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रॉम पार्ट ए. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टू पेयर्स ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट एंगल्स जो कि ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे होते हैं, बट इंटीरियर एंगल्स ही होते हैं. सो नाउ फ्रॉम हेयर, इफ यू लुक ओवर हेयर, टू पेयर्स ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स, एंगल ए एक्स एस एंड डी जेड आर. मैंने ये ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये रेड से है. अब ये देखिएगा, ये रेड से मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल. एंगल ए एक्स आर, एंगल ए एक्स आर, सॉरी एंगल ए एक्स एस. ओके, नेक्स्ट इज डी जेड आर. डी जेड आर, एक तो अल्टरनेट एंगल जो है हमारे पास जेड की शेप क्रिएट कर रहे होते हैं. ये देखिए, अगर आप लोग गौर से, जेड की शेप क्रिएट हो रही है और ये रहे एंगल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट,
मैं ग्रीन कलर ले लेती हूँ अपना, बी एक्स एस एंड सी जेड आर, बी एक्स एस, बी एक्स एस, ये रहा एंगल, ओके, एंड एंगल सी जेड आर, एंगल सी जेड आर, सी जेड आर, ये रहा एंगल। नाउ इफ यू लुक ओवर है, ये जेड शेप बन रही है अगेन हमारे पास, ठीक है। तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे भी हैं। नाउ नेक्स्ट, मैं इनको रिमूव करूँ पहले। नाउ नेक्स्ट इज, मैं पहले कलर चेंज कर लूँ अपना, ए डब्ल्यू क्यू एंड डी वाई पी, ए डब्ल्यू क्यू एंड डी वाई पी, डी वाई पी, लुक ओवर हेयर, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पे हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज बी डब्ल्यू क्यू एंड सी वाई पी, बी डब्ल्यू क्यू एंड सी वाई पी, बी डब्ल्यू क्यू, बी डब्ल्यू क्यू, एक एंगल ये रहा, एंड सी वाई पी, सी वाई पी, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, बोथ आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बट लाई इन बिटवीन, बट लाई इन बिटवीन पैरेलल लाइंस। ओके, सो दीज ऑल आर अबाउट अल्टरनेट एंगल। नाउ नेक्स्ट, टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ रेड वन। इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जो कि पहले तो सी की शेप क्रिएट कर रहे हो और बोथ लाई इन पैरेलल लाइंस, इन बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड ऑन द ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। सो ए एक्स एस एंड सी जेड आर, ए एक्स एस, ए एक्स एस, ओके, एंड सी जेड आर, सी जेड आर, ये देखिए सी की शेप क्रिएट हो रही है। इससे मत जाएगा कि ये सी जेड आर है, ये ए एक्स एस है, तो ये लाइन तो बाहर की साइड पे है तो सी नहीं बन रहा, बट ये ओवरऑल लोकेशन है। हमने सिर्फ इतना देखना है कि सी की थोड़ी सी भी शेप बन रही है तो वो हमारे पास जो है क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल है। ओके, तो ये बेसिकली लोकेशन पूरी बता रहा है, लोकेशन तो बताना ज़रूरी है। वैसे ऑल्दो इफ़ यू सी ओवर हियर दिस एक्स एंड दिस जेड, इस साइड पे जो है सी की शेप बन रही है। ओके, नेक्स्ट इज दैट बी एक्स एस एंड डी जेड आर, बी एक्स एस, बी एक्स एस एंड डी जेड आर, ये देखिए सी की शेप बन रही है आपके पास। ओके, डी यू की शेप बन रही है, तो जो है इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट इज ए डब्ल्यू क्यू एंड सी वाई पी, ए डब्ल्यू क्यू एंड सी वाई पी, ए डब्ल्यू क्यू एंड सी वाई पी, दिस एंगल, सी शेप बन रही है तो इंटीरियर एंगल। नाउ नेक्स्ट इज बी डब्ल्यू क्यू, बी डब्ल्यू क्यू, बी डब्ल्यू क्यू, ओके, एंड नेक्स्ट इज डी वाई पी, ये एंगल सी की शेप बन रही है तो इंटीरियर एंगल। इट्स ऑल अबाउट पार्ट ए, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज बी डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू ए एक्स आर, एक्सप्लेन योर आंसर। नाउ नो एंगल बी डब्ल्यू क्यू, पहले तो देख लेते हैं कि एंगल है कहाँ पे ना हमारे पास, ये एंगल बी डब्ल्यू क्यू, एंगल बी डब्ल्यू क्यू, ये रहा हमारे पास, एंड एंगल ए एक्स आर, एंगल ए एक्स आर, ये रहा हमारे पास एंगल। एज नो बी डब्ल्यू क्यू एंड ए एक्स आर इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, एज पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू आर एस। इफ यू सी ओवर हेयर, ये दोनों एंगल्स जो हैं, एंगल बी डब्ल्यू क्यू भी ट्रांसवर्सल लाइन पे बन रहे हैं और एंगल ए एक्स आर भी ट्रांसवर्सल लाइन पे ही बन रहा है, ठीक है।
तो ये दोनों लाइंस तो पैरेलल लाइंस नहीं है। पैरेलल लाइन अगर होती तब ये दोनों एंगल्स जो हैं इक्वल होते, तो अब ये दोनों लाइंस तो पैरेलल लाइंस नहीं है, सो इट मींस दैट ये दोनों एंगल्स जो हैं हमारे पास इक्वल एंगल नहीं है। इक्वल तब होते जब हमारे पास ये दोनों लाइंस जो हैं पैरेलल होती। सो दीज टू एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर एज पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आर एस। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज सी इज द सम ऑफ डी वाई पी एंड सी जेड आर इक्वल टू 180 डिग्री, एक्सप्लेन योर आंसर। सो पहले तो देख लेते हैं डी वाई पी एंगल कहाँ है। डी वाई पी ये रहा एंड सी जेड आर ये रहा, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा। यस ये सी की शेप बन रही है या यू की शेप बन रही है, बट ये दोनों एंगल अगर देखा जाए ट्रांसवर्सल लाइंस पे बन रहे हैं, पैरेलल लाइंस पे नहीं बन रहे हैं। सो इट मींस दैट नो द सम ऑफ डी वाई पी एंड सी जेड आर इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री एज दीज लाइन पी क्यू एंड आर एस इज नॉट पैरेलल टू ईच अदर। ओके सो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, इस वजह से ये जो एंगल बन रहे हैं हमारे वो 180 के इक्वल नहीं है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर टू, आई होप सो क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा। नाउ नेक्स्ट, गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, हर क्वेश्चन में ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमने हर पार्ट्स में डिफरेंट एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो नाउ इफ यू सी ओवर हेयर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स एंड दीज टू लाइन्स आर ट्रांसवर्सल लाइन। डिफरेंट अननोन्स हैं ए डिग्री बी सी डिग्री, फोर अननोन्स हैं, हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ईजी क्या होगा, हम अगर ये देखें इसको, सो इफ यू सी ओवर हेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर, सो इस पॉइंट के अपोजिट एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे। यस सो ए डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री, रीजन वी कैन राइट दैट वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। डिग्री डिग्री कैंसिल, ए इज इक्वल टू 117 डिग्री। चलो भाई यहाँ तक तो ये हो गया, ए इज इक्वल टू 117 डिग्री। ओके नेक्स्ट, इफ यू सी ओवर हेयर इफ दिस एंगल इज 117 डिग्री, इफ दिस एंगल इज 117 डिग्री और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, हमें पता है पैरेलल लाइन के लिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके बिकॉज दिस लाइन इज पासिंग थ्रू टू पैरेलल लाइंस, सो इट मीन्स दैट इट इज ट्रांसवर्सल लाइन। इफ दिस एंगल इज नाउ 117 डिग्री, सो इस ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट जो है एक और एंगल है बी डिग्री, सो इट मीन्स दैट ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। यस दोनों एंगल इक्वल होंगे और रीजन क्या आएगी, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो हैं ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड पे हैं बट इंटीरियर एंगल हैं, सो इट मीन्स दैट ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। सो बी डिग्री इज इक्वल टू 117 डिग्री, अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ और है, वो ये कि इफ़ यू सी ओवर हेयर, ये तो अल्टरनेट मैंने एंगल्स कहा कि ये अल्टरनेट एंगल्स, इफ़ यू सी ओवर हेयर कि दिस बी डिग्री एंड इफ दिस 117 डिग्री, इफ यू सी ओवर हेयर ये एफ की शेप क्रिएट हो रहे हैं, वन इज एक्सटीरियर एंगल एंड अनदर वन इज इंटीरियर एंगल। सो बी डिग्री की इस तरीके से भी जो है वैल्यू 117 डिग्री आ रही है, डिग्री से डिग्री कैंसिल, बी इज इक्वल टू 117। तो तब जब हम अगर एफ की शेप से करेंगे तो तब रीजन आएगी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, और अगर आप लोग इसकी हेल्प से करेंगे ए डिग्री वाली हेल्प से करेंगे तो तब अल्टरनेट एंगल वाली रीजन आएगी। ओके सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगी ये चीज़। सो हमने अब तक कितने एंगल्स फाइंड आउट किए, ए डिग्री 117 डिग्री, ओके ए डिग्री अब जो हो गया है 117 डिग्री हो गया, बी डिग्री अब जो है वो भी 117 डिग्री हो गया। अब चाहे आप लोग इसको लें या इन दोनों को कंसीडर करें, बात एक ही है। नाउ इफ यू सी ओवर हेयर इफ वी आर विशिंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डिग्री, सो इफ यू सी ओवर हेयर कि ये दोनों एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल्स हैं, सी डिग्री एंड 117 डिग्री, यस इंटीरियर एंगल्स हैं एंड ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हैं और सी की शेप बन रही है। जब सी की शेप बन रही है इट मीन्स दैट ये दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। यस सो सी डिग्री
प्लस ए डिग्री, क्योंकि ए डिग्री की वैल्यू 117 डिग्री है, तो सी डिग्री प्लस ए डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, तो सी डिग्री की वैल्यू क्या है, ए डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 117 डिग्री. सो ए डिग्री की वैल्यू 117 डिग्री जो है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो सी डिग्री प्लस 117 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ ये 117 जो है इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 180 माइनस 117 डिग्री, 180 माइनस 117 डिग्री, हाउ कैन बी माइनस, दिस इज 7 और दिस इज 10, 10 माइनस 7 इज 3, 7 माइनस 1 इज 6, 1 माइनस 1 इज 0, सो सी डिग्री इज इक्वल टू 63 डिग्री, डिग्री डिग्री कैंसिल, सी इज इक्वल टू 63. नाउ अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 63 डिग्री. ओके डन, ये तो सब हो गया, इसकी वैल्यू हो गई 117 डिग्री, इसकी भी हो गई 117 डिग्री, और इस सी डिग्री की वैल्यू हो गई 63 डिग्री. ओके नाउ इफ यू सी ओवर हेयर, दिस इज 78 डिग्री एंड दिस इज डी डिग्री. और अगर आप लोग इसकी लोकेशन को देखें थोड़ा बहुत, तो ये क्या हो रहा है, एफ की शेप क्रिएट हो रही है, दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे हैं, वन इज एक्सटीरियर एंड अदर वन इज इंटीरियर, तो इट मीन्स दैट ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं, इक्वल हैं, सो डी डिग्री इज इक्वल टू 78 डिग्री. रीजन बिहाइंड इट, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, डिग्री डिग्री कैंसिल, डी इज इक्वल टू 78 डिग्री. इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ई. सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी. इन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी इफ यू सी ओवर हियर, वी हैव टू फाइंड टू अननोन्स, एफ डिग्री एंड ई डिग्री. AB is parallel to CD again, and we have to find the values of unknowns. So, if you see over here, this is E degree. ठीक है, ये दोनों parallel lines हैं. इन दोनों parallel lines के लिए ये वाली जो line है वो transversal line है. Okay, so E degree and 31 degree. So it means that transversal के जो भी opposite side पे जो angles होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एंड अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, सो ई डिग्री इज इक्वल टू 31 डिग्री, डिग्री डिग्री कैंसिल, ई इज इक्वल टू 31. आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट ये दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज दैट इफ यू सी ओवर हेयर, दिस इज अ ट्राइंगल. हमने ई डिग्री तो फाइंड कर लिया कि ई डिग्री जो है कितना हो गया, अब 31 डिग्री हो गया. Are all the interior angles of a triangle named as 1, 2, 3. And किसी भी साइड से मैं एक लाइन एक्सटेंड करूँ तो वो एक्सटीरियर एंगल होगा. ठीक है, सो लाइक एंगल 4. तो एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 4 टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर है. लाइक एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. ओके, सो नाउ इफ यू सी ओवर हेयर, दिस इज द ट्राइंगल. ओके, एंड देर आर टू डिफरेंट एंगल्स, एंगल 31 डिग्री एंड एंगल 35 डिग्री. और यहाँ से हमने एक लाइन एक्सटेंड की तो जो है एक एंगल बन रहा है एफ डिग्री. तो एफ डिग्री इस ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके बराबर होगा, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा. यस, 31 डिग्री एंड 35 डिग्री को जब हम सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 66 डिग्री. सो एफ डिग्री इज इक्वल टू 66. ओके, ये चीज़ एक. ठीक है, मैं फिर दोबारा बता देती हूँ कि एफ डिग्री जो है ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल है, और ये किसके बराबर होगा, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा. और एफ डिग्री के लिए अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, 35 एंड 31. सो 35 प्लस 31 इज इक्वल टू एफ डिग्री. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स इंटीरियर एंगल, ये हमने रीजन लिखी. 35 प्लस 31 डिग्री इज 66 डिग्री, एफ डिग्री 66 डिग्री, डिग्री डिग्री कैंसिल, एफ इज इक्वल टू 66. ओके, सो ये एक और मेथड से हो सकता है, वो ऐसे वो यूं के, इफ यू सी ओवर हेयर, एक एंगल है एंगल सी. ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो एंगल सी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. यस ऑफ कोर्स. नाउ इफ यू सी ओवर हेयर, ये एक एंगल है, अगर मैं यहाँ से पूरा दिखाने की कोशिश करूँ आप लोगों को, ये एंगल सी है, और ये इसी एंगल में से एक और लाइन पास हो रही है, तो ये दो एंगल्स है, 35 और 35. अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो ये पूरा एक एंगल एंगल सी बन जाएगा. 35 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 66 डिग्री. ओके, सो 66 डिग्री बेसिकली इस लाइन के, मैं लाइन को अगर लाइन का अगर कलर चेंज कर दूं,
आप लोगों की आसानी के लिए. सो इफ यू सी ओवर हेयर, अब जो 66 डिग्री है वो बेसिकली इस रेड लाइन के इस तरफ है और ये एफ डिग्री इस रेड लाइन के इस तरफ है. तो ये दोनों एंगल्स अगेन इस एंगल ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड पे हैं. तो जो अपोजिट साइड पे एंगल्स होते हैं और जो इन बिटवीन पैरेलल लाइंस के बिटवीन होते हैं तो वो बेसिकली अल्टरनेट एंगल्स होते हैं. सो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एफ डिग्री डायरेक्टली, एफ डिग्री इज इक्वल टू 66 डिग्री. और रीजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल. अल्टरनेट एंगल्स ओके, डिग्री डिग्री कैंसिल, एफ इज इक्वल टू 66. या तो आप ये मेथड, अगर आप लोगों को ये मेथड इजी लग रहा है तो आप लोग ये मेथड ले सकते हैं, या फिर ये जिस तरीके से मैंने ट्राइंगल वाली हेल्प से करवाया, या तो आप वो लिख सकते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, अगेन पार्ट सी, अगेन ए बी पैरेलल टू सी डी एंड वी हैव टू फाइंड द अननोन्स, वैल्यू ऑफ अननोन. सो नाउ नेक्स्ट, इफ यू सी ओवर हेयर ए बी, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, वो ये कि ए बी is parallel to CD. Okay, fine. This line and this line is the basically a transversal, and we have to find angle H and angle G. Okay, now ये दोनों parallel lines हैं, तो इन दोनों parallel lines के लिए ये वाली line transversal line होगी. Okay, G degree यहाँ पे है and 83 degree जो है यहाँ पे. ये both angle lie on the opposite side of transversal line and lie in between two parallel lines. So it means that ये दोनों angles कौन से हैं angles? Alternate angle हैं. तो if you see over here, G degree is equal to 83 degree. Yes, alternate angles because they are always equal. Degree degree cancel. G is equal to 83 degree. I hope so. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. Next, मैं पूरा इसको जो है cancel कर देती हूँ फिर से. These two are parallel lines A, B and C, D. Okay. Now if you see over here, एक एंगल ये है एंगल एच और एक ये एंगल है एंगल 69 डिग्री. तो इफ यू सी ओवर हेयर एफ की शेप बन रही है, एक एंगल एक्सटीरियर और एक एंगल इंटीरियर. एच डिग्री एंड जो एक्सटीरियर एंगल होता है और इंटीरियर एंगल होता है, और वैन बोथ लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इट मीन्स दैट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो बोथ एंगल आर इक्वल टू ईच अदर. सो एच डिग्री इज इक्वल टू 69 डिग्री. डिग्री डिग्री कैंसिल एंड एच इज इक्वल टू 69. ओके, आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पार्ट डी, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट डी, दिस इज अ ट्राइंगल इफ यू सी ओवर हेयर, और यू कैन से ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये दो जो हैं ट्रांसवर्सल लाइन्स हैं, बट इन एक्चुअल दिखने में जो है लग रहा होगा आप लोगों को ये ट्राइंगल है. ओके, हमने टू अननोन्स फाइंड करने हैं आई एंड जे. सो हाउ कैन वी फाइंड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ. ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, और उनके लिए ये दो लाइन जो हैं ट्रांसवर्सल लाइन है. नाउ इफ यू सी ओवर हेयर दिस, ये ट्रांसवर्सल लाइन है. ओके, दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड लाई इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. सो इट मीन्स दैट जे डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड वी कैन राइट reason that alternate angles and both are equal to each other. Degree degree cancel, J is equal to 60 degree. Now, अब ये J degree जो है 60 degree हो सकता है. अब if you see over here, ये complete triangle बन रहा है, और हमें पता है triangle के interior angle का sum होता है 180 के बराबर. So, इन तीनों angles को जब हम plus करेंगे तो 180 का answer आएगा. I degree plus J degree की जगह हमने 60 degree लिख दिया. 60 degree प्लस 75 डिग्री ऑलरेडी था इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. जब हम इनको ऐड करेंगे, या तो ऐड करके हम उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवाएं, या ये प्लस 75 उधर जाएगा माइनस 75, ये 60 इधर जाके माइनस 60 हो जाएगा. ओके, या तो यूँ कर लें, नहीं तो जो है मैं यहाँ पे इजी स्टेप बता देती हूँ आप लोगों को किस तरीके से करना है. इस स्टेप को कैंसिल करें, मैं यहाँ पे बताती हूँ. आई डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, नाउ 75 प्लस 60 डिग्री
5 + 0, 5, 7 + 6, 6 + 6 is 12, 13, 135. Okay, so I degree plus 135 degree is equal to 180 degree. Now हमने I की value find out करनी है. I degree is equal to 180 degree minus 135 degree. Okay. 180 degree minus 135 degree. 10 minus 5 is 5. 7 minus 3 is 4. 1 minus 1 is 0. So I degree is equal to 45 degree. Degree, degree cancel out. I is equal to 45. So I hope so यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. I की value आई 45 and J की हमने find की अभी 60 दिखते हैं. Okay. यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा. Now next क्वेश्चन नंबर 3. In each of the following figures, AP parallel to CD. AP जो है parallel है CD के. Find the values of unknown. हमने unknowns values find out करनी है. पहले तो मैं concept clear करती चलूँ. Now if you see over here, A degree and this angle, F shape बन रही है दोनों angles के लिए. Both angle lie on the same side of the transversal line. So it means that corresponding angle. So now if you see over here, corresponding angles are always equal. A degree is equal to 38 degree. Degree, degree cancel out. A is equal to 38. Okay, fine. A ki value kya ho gayi? 38. A ki value kya hui? 38. Now if you see over here, agar ye ek angle A hai, theek hai? Jaise ki maine abhi previous exam ek question mein bhi bataya tha. Dekhi ye hai. Ek इस लाइन के इस तरफ ये एंगल बन रहा है 2B और इस लाइन के इस तरफ ये टू डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं. ये टू डिफरेंट एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो ये एक एक एंगल बन सकता है जो कि एंगल A होगा. अभी ये इस लाइन की वजह से, इस वाली लाइन की वजह से ये एंगल A जो है दो एंगल्स में डिवाइड हो रहा है. लेकिन अगर हम इस एंगल A को एक करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 38 प्लस 30 कर लेंगे. तो 38 प्लस 30 degree is equal to 68 degree. Okay, तो इन दोनों एंगल को सम करें और ये दोनों एंगल जब सम होंगे तो ये इस लाइन के ही इस तरफ होंगे और ये वाला एंगल इस लाइन के इस तरफ. ठीक है, सो नाउ इफ यू सी ओवर हेयर, ये जो है बेसिकली कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं. मैं अगर गौर से दिखाऊं, आप लोग अगर गौर से देखें, ये देखिए, ये देखें, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये बेसिकली मिलके एक एंगल बना रहा है. दोनों एंगल मिलके एक एंगल बना रहे हैं और ये एक एंगल 2B. तो ये दोनों जो हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं. ओके, और एफ की शेप बन रही, तो इट मींस दैट कोरिस्पोंडिंग एंगल एंड कोरिस्पोंडिंग एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. सो इन दोनों एंगल का सम जो है किसके बराबर होगा, 2B डिग्री के. सो ए डिग्री प्लस 30 डिग्री, ए डिग्री का मतलब 38 डिग्री. ए डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2B डिग्री. ए की जगह हमने 38 डिग्री पुट किया तो 38 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2B डिग्री. और हम लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 38 प्लस 30 इज इक्वल टू 68 डिग्री. यहाँ पे एक स्टेप और आना चाहिए था कि 68 डिग्री इज इक्वल टू 2B डिग्री. फिर हम क्या करते हैं, इनको शिफ्ट कर देते, 2B डिग्री इज इक्वल टू 68 डिग्री इस तरीके से लिखते. नेक्स्ट B जो है हमने डिवाइड को जो है B को B डिग्री इज इक्वल टू 68 डिग्री अपॉन 2. सो 2 1 2, 2 3 6, 2 4 8. सो B डिग्री इज इक्वल टू 34 डिग्री. डिग्री डिग्री कैंसिल, B इज इक्वल टू 34. सो B की वैल्यू आई हमारे पास 34. ओके, एंड A की वैल्यू आई 38. वन मोर थिंग, हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे 68 डिग्री है. ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू 38 थी तो 38 प्लस 30 60 डिग्री हो गया. और हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो बराबर होते हैं. अभी हमें ये नहीं पता कि ये भी एंगल क्या 68 डिग्री होगा या नहीं होगा. सिर्फ हमने इतना किया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के
अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको इक्वेट कर लिया था. तो अब एक चीज और देखते हैं, 2 × 34. सो हाउ कैन वी एड, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6. तो जब हमने बी डिग्री की जगह 34 की वैल्यू पुट की, मतलब कि बी की वैल्यू पुट की, तो 2 × 34 = 68 आया, और ये भी एंगल पूरा 68 था. सो इसका मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही है वाकई में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी. इफ यू सी ओवर हियर, ए बी एंड सी डी आर अगेन टू पैरेलल लाइंस, और इन एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन जो है पास हो रही है. सो हमने अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. पहली चीज तो ये कि देखते ही आप लोग ये कहेंगे कि ये दोनों जो हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, बट यहाँ पे हम अननोन नहीं फाइंड कर सकेंगे, हमें मसला होगा. तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज और, इफ यू सी ओवर हियर, ये एफ शेप बन रही है हमारे पास. दिस वन इज एक्सटीरियर एंड दिस वन इज इंटीरियर एंगल, बोथ लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन. सो इट मीन्स दैट ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. सो 7C degree = 140 degree. एक स्टेप और यहाँ पे, 7C degree = 140 degree अपॉन 7, 7 × 7, 7 × 2 = 14, 0 C degree = 20 degree. डिग्री डिग्री कैंसिल, C = 20. ओके ओके ऑल राइट फाइन. तो 7C degree, C की वैल्यू आई 20, तो 7C degree मैं एक यहाँ पे करके दिखा देती हूँ फिर दोबारा आप लोगों को. C = 20. सो 7C degree = 7 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, 20 degree. तो 7 × 2 = 14, 140 degree. सो इट मीन्स दैट जो हमने इक्वेट किया है ये बिल्कुल सही किया. तो 7C degree की जगह अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 140 degree. ओके, 140 degree लिख दिया. नाउ अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये दोनों एंगल जो हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं ड्यू टू दिस इंटरसेक्टिंग लाइन. सो 2D = 140 degree. 2D = 140 degree करें या फिर 2D = 7C degree लिखें, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बात एक ही है. तो 7C degree अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया, 7C degree = 140 degree आंसर आया. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप अगेन, D degree = 140 degree अपॉन 2, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, 0. D degree = 70 degree. degree कैंसिल, D = 70. आई होप सो यहाँ तक आप लोग को जो है क्लियर होगा. इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और एनी क्यूरी सो यू मे कॉमेंट एज वेल, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर ऑल क्यूरी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट See, again AB parallel to CD and there is a one transversal line. So if you see over here, ये एक C shape बन रही है and both angles are interior angles. So 7E degree + 3E degree = 180 degree. हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि interior angle तो 7E + 3, 7 + 3 = 10E degree = 180 degree upon 10, 0, 0 cancel. Okay, E degree is equal to 18. Degree cancel. E = 18. Okay, so the value of E is 18. So I hope so. यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. Now next and the last part.
of this question, and is also the last question of this part video. So in each of the following figure, AB parallel to CD, this line AB is parallel to CD. Okay. If you see over here, there are two angles, this angle and this angle, both lie on the opposite side of the transversal. Okay. So it means that it is alternate angle, and alternate angle are always equal to each other. So 2F plus 6 degree is equal to 3F minus 23 degree. 2F degree plus 6 degree is equal to 3F minus 23 degree. So same cheezo ko same side pe karenge. So 3F minus 2F. Achha, ek step yahan pe ek aur karna hai. Woh main kar deti hun yahan pe pehle. Pehle main yahan pe kar deti hun ek step. Okay, woh ye ke 6 degree plus 23 degree is equal to 3F minus, ये 2F उधर जाके minus 2F होगा, ठीक है? फिर बाद में आपने जो है 3F minus 2F degree is equal to 6 plus 23 degree लिखना है, okay? 3F minus 2F is F, मतलब के 1F degree, F degree, 6 plus 23 is 29, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 degree, F degree is equal to 29 degree, F is degree cancel out, so F is equal to 29. So I hope so, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, and question number 3 part C again, आप लोग देख लीजिए एक दफा, the value of E is 18, okay? So if you have any query, so you may ask. So it's all about question number 3. So thank you for watching. If you have any query, any confusion in this video, so you may comment. I will try to resolve your all problems. And exercise 10B part 1 link is given here. Part 2 se pehle aap logo जो है पार्ट वन की वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट वन में सारी जो है डेफिनेशन मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है डीपली डिस्कस की हुई है. ओके, सो थैंक यू, टिल देन अल्लाह हाफिज़.